वेलकम ऑल। आई एम माधवी सिंह भंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर। आज हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? टू कन्वर्जन्स परफॉर्म करते हैं। पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम देखें तो हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी आता है और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी आता है। हम लास्ट क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास, हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 35.346। एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 है और मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है मतलब हमें बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो ये 35.346 नंबर है, इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने देखा था कि ऑक्टल टू बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हर एक ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्वेलेंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 3 है, इस 3 का बाइनरी इक्वेलेंट कितना होगा? 011। कैसे लिखते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 421 वेटेड कोड का नंबर, वेटेड कोड यूज करके हम इनका बाइनरी इक्वेलेंट लिखते हैं। तो 3 का बाइनरी इक्वेलेंट कितना हो जाएगा? 011। 5 का बाइनरी इक्वेलेंट कितना हो जाएगा? 101। ये डेसिमल हमने उसकी पोजीशन पर पुट करा है। अगेन 3 का बाइनरी इक्वेलेंट 011। 4 का बाइनरी इक्वेलेंट 100। 6 का बाइनरी इक्वेलेंट 110। तो ये कहाँ कन्वर्ट हो गया? हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जो 35.346 नंबर था उसे हमने क्या कर लिया है? बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है? इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर था हमारे पास 01110101100110। ये किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है? 35.346 का। अब इस बाइनरी इक्विवेलेंट को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमारे पास जो भी नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स के हम 4-4 बिट्स के ग्रुप बनाते हैं और उनका हम हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ दशमलव आ गया है, मतलब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों आ गए। तो सबसे पहले हम डेसिमल, दशमलव से पहले इंटीजर पार्ट की बात कर ले। तो एलएसबी से हम ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। एलएसबी ये होती है हमारे, ये बिट 1, ये बिट है एलएसबी। हम यहाँ से 4-4 बिट्स के ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, है ना, 4 बिट का एक ग्रुप बन गया, 1011, ठीक है। अब हम आगे की ग्रुप की बात करें तो हमारे पास अब कितने बिट्स बची है? ये 0 और ये 1, 2 बिट्स बची है। और ग्रुप कंप्लीट करने के लिए मुझे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती है? 4 बिट्स चाहिए। तो टू मोर बिट्स रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे? 2 0 ऐड कर देंगे टू कंप्लीट आर ग्रुप। हमारे ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करा, उसमें 2 0 और ऐड कर दिए, तो हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हम ये जब भी 0 ऐड करते हैं, जब भी हमें ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए 0 ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये 0 हम हमेशा एमएसबी में ऐड करते हैं। एमएसबी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एमएसबी में ऐड करने से क्या होगा? हमारे नंबर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, हमारा वही आंसर रहेगा, ठीक है। ये 4-4 का ग्रुप बना लिया हमने डेसिमल, दशमलव से पहले। अब दशमलव के बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो एलएसबी ये होता है ना, दशमलव के बाद जस्ट जो डिजिट होती है वो एलएसबी होती है। यहाँ से हम ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। 4-4 बिट्स का ग्रुप बनाना है हमें। 0111 हो गया एक ग्रुप, है ना, 0111 का। अब अगला 0011, है ना, हो गया एक ग्रुप। अब आगे देखें तो हमारे पास एक सिंगल डिजिट, एक ही बिट बची है, 0। अब ग्रुप कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 डिजिट्स की जरूरत होती है, तो 3 0 और मैं ऐड कर लूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 0। अब दशमलव सब के बाद जो एमएसबी होती है वो इधर होती है, ठीक है। तो यहाँ हमने 0 ऐड कर लिया। अब हमें सारे, हमने ग्रुप्स बना लिए, अब इनके हम हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख ले। तो 0 0 0 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? 0। 1 1 0 1 का हेक्साडेसिमल होता है 3। 1 1 1 0 का हेक्साडेसिमल होता है 7, है ना। जैसे हमने 421 कोड यूज करा था ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखने के लिए, वैसे ही हम 8421, है ना,
वेटेड कोड यूज कर सकते हैं। 8421 का अगर सम करें तो कितना होता है, 15 है, 15 और हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, 0 टू 15 नंबर्स होते हैं, तो हम 8421 कोड का यूज करके 0 से लगाकर 15 तक के नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो नंबर हमने यूज करा उसके नीचे लिखते हैं 1, जो नहीं यूज करा उसके नीचे लिखते हैं 0। तो ये किसका इक्विवेलेंट हो गया, 7 का इक्विवेलेंट हो गया। अब ये 1011 ये किसका इक्विवेलेंट है, 13 का इक्विवेलेंट है, 1101। अब हमने क्या देखा है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 से लगाकर 9 तक नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और 10 से लगाकर 15 तक के नंबर्स को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 13 का जो अल्फाबेट है वो कितना है, डी है ना, A10, B12, B11, C12, D13, E14, F15। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा डी। और ये 0001 किसका इक्विवेलेंट है, 1 का। तो अब आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1D.730 इन बेस 16। दिस इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। आपको समझ में आया होगा, होप। थैंक यू सो मच।